एक गांव में सुधा नाम की एक बहुत मोटी लड़की रहा करती थी। गांव के सभी लोग उसके मोटापे की वजह से मोटी मोटी कहकर उसे बुलाया करते थे। सुधा को भूख बहुत लगती थी। वो चाहे जितना भी भोजन करती मगर उसकी भूख कुंभकर्ण की नींद की जैसी थी। उसका पेट नहीं भरता था। उसकी माँ विमला को उसकी बड़ी चिंता रहती थी। एक दिन सुधा सज धज कर कहीं जा रही थी। अरे इतना सज धज के कहाँ जा रही है सुधा, आज ना तो होली है और ना ही दिवाली। क्या माँ, कभी कभी तो मैं श्रृंगार करती हूँ, अब उसमें भी आपको दिक्कत होने लगी। क्योंकि जब जब तू श्रृंगार करती है ना, तब तब मेरा दिल बैठ जाता है ये सोच कर कि पता नहीं तू किसका बेड़ा गर्क करने जा रही है। गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाते ही है, अब तो आप भी गांव वालों के साथ साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाने लगी। गांव वाले तेरा मजाक नहीं उड़ाते, सच कहते हैं। कितनी बार कहा है कि कम खाया कर, कम खाया कर। मजाल है कि तेरी कान पर जू भी रेंगी हो, और नतीजा ये हुआ कि तू हो गई है फूल के कुप्पा। हाँ तो क्या बुरी बात है माँ, फूल के कुप्पा ही तो हुई हो ना, सूप के छुहारा तो नहीं हुई। मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जरा सी हवा चले और उसमें वो उड़ जाए। हाँ लेकिन मुझे भी ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं जिनके शरीर बुलडोजर की तरह हो जाए, कि अगर गलती से भी उनका शरीर किसी दीवार से टकरा जाए तो दीवार ही टूट कर गिर जाए। मैं जा रही हूँ माँ, घर आकर बात करूंगी। अरे मेरी बात तो सुन। अरे मगर सुधा विमला की पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से चली गई। इधर सुमन का घर जगमगा रहा था, बारात आ चुकी थी। सुमन के पिता कन्हैया लाल दरवाजे पर अपने सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे थे कि तभी कन्हैया लाल की नजर दूर से आई हुई सुधा पर पड़ी। कन्हैया लाल घबराते हुए तुरंत अपने बगल में खड़े नौकर छोटू से बोले, छोटू ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं मालिक, और अचानक आप इतने घबरा क्यों गए? अरे वो सामने उस मुसीबत को देखा जो हमारे ही घर की ओर चली आ रही है। कन्हैया लाल के कहने पर छोटू ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो उसके चेहरे पर भी घबराहट झलकने लगी। मालिक मैं भी वही देख रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। तेरा सत्यानाश हो जाए छोटू, तुझसे मैंने कहा था कि विमला देवी के घर पर शादी का कार्ड मत देना। मुझे लगता है कि तू गलती से विमला देवी के घर पर कार्ड देकर आ गया। नहीं नहीं मालिक, लगता है कि आप घबराहट में ये भूल गए हैं कि मैं आपके घर का नौकर हूँ, मालिक नहीं। अरे छोटी मालकिन की शादी के कार्ड तो आपने और बड़ी मालकिन ने स्वयं मिलकर बांटे थे। सही कह रहा है छोटू, लगता है कि मेरे इस बार की बदनामी तो पक्की है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी बिटिया की शादी ही ना टूट जाए। लेकिन ऐसा क्यों मालिक? अरे मूर्ख, सामने उस मोटी को नहीं देख रहा? सारे के सारे बरातियों का खाना खा जाएगी। जब बराती भूखे लौटेंगे तो जाहिर सी बात है मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तभी सुधा कन्हैया लाल के करीब आकर खड़ी हो गई। नमस्ते अंकल जी, सुमन ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सुमन। सुमन को क्या हुआ? अरे उसका अभी विवाह होने वाला है। नहीं मैंने इसीलिए पूछा कि आपका चेहरा कुछ घबराया हुआ सा लग रहा है। सुधा तुम्हें देखकर तो बड़े बड़े सुरमाओं के चेहरे पर पसीने छूट जाते हैं। वैसे क्या तुम बताओगी कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो? अजीब बात है अंकल, मेरी इतनी पक्की सहेली की आज शादी है और मैं अपनी सहेली की शादी में भी ना आऊं। हाँ लेकिन मैंने तुम्हारे घर पर शादी का कार्ड नहीं दिया था। कार्ड तो गैरों को दिया जाता है अंकल, अपनों को नहीं दिया जाता। जब माँ ने मुझे बताया कि आपने शादी का कार्ड नहीं भेजा तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैंने तो यही कहा कि कन्हैया लाल जी को मैं अपना पिता मानती हूँ, और बेटी क्या अपने पिता के घर ऐसे ही नहीं जा सकती? बेटी को भला कार्ड की क्या आवश्यकता? खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि भोजन का इंतजाम कहाँ पर है? कन्हैया लाल मजबूरी में छोटू की ओर देखता हुआ बोला, छोटू जाओ सुधा को बता दो कि अतिथियों के भोजन का इंतजाम हमने कहाँ किया है। छोटू सुधा को पंडाल की ओर ले गया। सुधा जमीन पर बैठ गई और छोटू की ओर देखकर बोली, जाओ जाकर जल्दी से मेरे लिए गरम गरम पूरी।
सब्जी लेकर आओ। छोटू एक थाली में बहुत सारी सब्जी और कुछ पूरियां लेकर आया। अरे ये क्या है, सिर्फ इतनी सी पूरियां? कैसी बातें कर रही हो सुधा जी, अरे ये पूरे 3 आदमियों का खाना है, आप इसे इतनी सी पूरियां बोल रही हैं? अरे तुम जिन 3 आदमियों की बात कर रहे होगे, उनकी खुराक बहुत कम होगी, मेरा हाजमा थोड़ा अच्छा है। तभी सुधा की नजर पूरियों से भरी हुई टोकरी पर पड़ी। जाओ वो पूरियों से भरी हुई टोकरी उठा कर ले आओ। अरे वो तो बहुत सारी पूरियां है। जो बोला है वो करो। क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें अतिथियों का सम्मान करना नहीं सिखाया? क्या तुम अतिथि को भूखा या उसे जाने दोगे? लाता हूँ, लाता हूँ। इतना कहकर छोटू पूरियों से भरा हुआ टोकरा वहाँ पर ले आया। देखते ही देखते सुधा सारी पूरियां खा गई। जाओ जाकर अब की बार 2 पूरियों के टोकरी लेकर आओ। और सुनो, काशी फल की सब्जी और गुलाब जामुन भी लेकर आना। वो क्या है ना कि खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। और हाँ, सामने रायते से भरी हुई 2 बाल्टी दिख रही है ना, वो भी मेरे पास ला कर रख दो। वो क्या है ना कि खाने के बाद मुझे रायता बहुत पसंद है, खाना जल्दी हजम हो जाता है। छोटू पूरियों की 2 टोकरी लेकर आया और सुधा देखते ही देखते वो भी चट कर गई। कुछ ही देर में सुधा सारे बरातियों का खाना खा गई, यहाँ तक कि सुधा ने मिठाई का एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। अब कहीं जाकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने थोड़ा बहुत खाया है, अब घर पर जाकर खाऊंगी। सुधा वहाँ से चली गई। अरे मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अगले दिन सुधा की माँ विमला बाजार में किसी काम से आई कि तभी उसकी नजर कन्हैया लाल पर पड़ी, जो अपने परिवार के साथ बोरिया बिस्तर समेट कर कहीं जा रहा था। अरे नमस्ते कन्हैया लाल जी, अपने परिवार के साथ सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? जी अजीब, कहाँ जाऊँगा, ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ, वो भी आपके कारण। मैं कुछ समझी नहीं कन्हैया लाल जी। कल मेरी बेटी सुमन की शादी थी, आपकी बेटी सुधा बगैर बुलाए वहाँ पर आ गई और सारे बारातियों का खाना खा गई। आपको पता है सारे बारातियों को भूखा वापस लौटना पड़ा, लड़के वाले तो शादी तक से इनकार करने लगे, ये बोलकर कि मैं बारातियों को ठीक से भोजन तक नहीं दे पाया। कुछ वर्षों बाद मेरी छोटी बिटिया की भी शादी है, आपकी बेटी कल को मेरी छोटी बिटिया की भी शादी में पहुँच जाएगी और सारे बारातियों का खाना खा जाएगी, इसीलिए मैं ये गांव छोड़कर पहले ही जा रहा हूँ। इतना कहकर कन्हैया लाल वहाँ से चला गया और विमला क्रोधित होते हुए सीधे घर पर पहुँच गई। घर पर सुधा बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। तो आखिरकार तुमने वही किया जिस बात का मुझे डर था। तुम्हें क्या जरूरत थी कन्हैया लाल जी की बेटी की शादी में जाने की? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कुछ देर पहले मुझे बाजार में कितना अपमानित होना पड़ा? बेचारे कन्हैया लाल जी कितने अच्छे व्यक्ति थे, तुम्हारी वजह से वो गांव छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं माँ, जब भी गांव में कहीं शादी होती है तो मेरी भूख दुगनी हो जाती है और मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान खाने के अलावा कहीं और लगाओ, लेकिन नहीं, घूम फिर कर तुम्हें बस खाना ही नजर आता है। मैंने सोच लिया है तुम्हें आज से काम पर भेजूंगी। काम पर भेजूंगी से क्या मतलब? बिरजू हाथी वाले के यहाँ पर 4 हाथी पले हुए हैं, तुम आज से वहाँ पर जाओगी। दिन रात जब वहाँ पर भागा दौड़ी करके उठक बैठक करोगी ना, तब तुम्हारा वजन अपने आप कम हो जाएगा। और बिरजू को मैं ये बोल दूंगी कि वो तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भी खाना ना दे। अगले दिन विमला बिरजू हाथी वाले के यहाँ पर सुधा को छोड़कर आ गई। सुनो सुधा, यहाँ तुम्हारे घर वाले नाज नखरे नहीं चलेंगे, ये हाथी देख रही हो, इन सबको भोजन तुम खिलाओगी, यहाँ तक कि इन हाथियों को नहलाना और इनका गोबर साफ करना। ध्यान रखना, अगर मैंने तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी बैठा हुआ देख लिया तो मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला गया। सुबह से लेकर शाम तक भूखी रहकर सुधा की हालत खराब हो गई। तभी उसकी नजर हाथियों के बहुत सारे केलों पर पड़ी। अरे मैं तो मूर्ख थी जो सुबह से लेकर शाम तक भूखी रही, अरे केले किस काम आएंगे? सुधा हाथियों के सारे केले खा गई।
ये तुमने क्या किया सुना? ये तो हाथियों के 10 दिन का खाना था। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या मैं कल से काम पर आऊं बिरजू चाचा? नहीं सुधा, तुम्हें अब कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है कल से मुझे कोई और काम देखना पड़ेगा, ताकि मैं अपने हाथियों के लिए कहीं से भोजन का इंतजाम कर सकूं। बिरजू ने सुधा को काम से निकाल दिया, बल्कि वो बेचारा तो खुद मजदूरी करके अपने हाथियों का पेट पालने में लगा हुआ था। मगर सुधा की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। थक हार कर विमला ने सुधा की नौकरी एक सरकारी स्कूल में लगवा दी। सुधा सरकारी स्कूल में नौकरी पर जाने लगी। सुधा, तुम्हारे बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी भूखड़ हो। यहाँ तक कि तुमने बिरजू हाथी वाले तक का बेड़ा गर्क कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैडम जी, अब मुझे भूख ही इतनी लगती है तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा है कि तुम्हें स्कूल में दिन भर खाने को कुछ भी ना दिया जाए। याद रखना, अगर मैंने तुम्हें खाना खाते देख लिया ना, तो फिर मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। 2 दिन तक सुधा ने तो बड़ी मुश्किल से अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल किया। दोपहर के समय सुधा भूख से बेहाल स्कूल में थी कि तभी उसकी नाक भोजन की सुगंध से टकराई। अरे, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए कि स्कूल में आखिरकार इतना अच्छा भोजन कौन लेकर आया है। सुधा ने देखा तो वहाँ पर सरकार की तरफ से आया हुआ बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। देखते ही देखते सुधा सारा भोजन चट कर गई। तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ गई। अरे, तुमने ये क्या किया सुधा? तुम तो सारे बच्चों का खाना खा गई। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी मैम, मुझे पता ही नहीं चला कि सारा भोजन समाप्त हो गया। तुम्हारी सजा ये है कि आज रात तुम घर नहीं जाओगी, सारी रात बंद रहोगी, सुबह तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। प्रिंसिपल सुधा को बंद करके चली गई। सुबह तक सुधा को बहुत तेज भूख लगने लगी। दोपहर के वक्त खाली पीरियड के समय जब बच्चे क्लास से चले गए तो सुधा बच्चों के बैग से टिफिन निकालने लगी। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में इतने अच्छे अच्छे भोजन बनते हैं। और ये भोजन बच्चे खाएंगे नहीं, ये मैं खाऊंगी। सुधा स्कूल के सारे बच्चों का भोजन खा गई। जब बच्चे इंटरवल के समय खाली टिफिन देखकर रोने लगे, तब प्रिंसिपल को समझ में आ गया कि ये सब सुधा का किया धरा है। सुधा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या हुआ प्रिंसिपल जी? ये तुमने क्या किया? पहले तुम सरकार की तरफ से दिया गया बच्चों का सारा भोजन खा गई, और अब तुम बच्चों का टिफिन निकाल कर खाने लगी हो? मुझे बच्चों को भूखा नहीं मरवाना, तुम यहाँ से जा सकती हो। और फिर वही हुआ, प्रिंसिपल ने सुधा को काम से निकाल दिया। सुधा बेटी, अब अपने खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल कर, अगर तेरा हाल यही रहा तो तुझसे कौन विवाह करेगा? अपना थोड़ा वजन कम कर। मैं अपना वजन कम नहीं कर सकती माँ, आप जानती हो कि खाना मेरी कमजोरी है। सुधा, जब तू अपना दिमाग कहीं और लगाएगी ना, तो तुझे भूख बहुत कम लगेगी। मगर हमेशा की तरह सुधा ने अपनी माँ की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, और एक दिन अचानक सुधा बेहोश होकर गिर पड़ी। इत्तेफाक से उस दिन विमला के दूर के रिश्तेदार अज्जू चाचा आए हुए थे, जो एक जाने माने वैद्य थे। सुधा की नब्ज देखकर अज्जू चाचा मुस्कुराते हुए विमला की ओर देखकर बोले, ये क्या विमला जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सुधा को ज्यादा खाना खाने की बीमारी है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? लोग कम खाते हैं इस बीमारी के बारे में तो सुना था, लेकिन ऐसा पहली बार सुन रही हूँ कि ज्यादा खाना खाने की भी बीमारी होती है। ये सच बात है, जिस तरह इंसान को भूख ना लगने की बीमारी होती है, ठीक उसी तरह भूख ज्यादा लगने की भी बीमारी होती है। सुधा बेचारी इस बीमारी से पीड़ित है। तो फिर आप मेरी बेटी का इलाज कीजिए। अज्जू चाचा, आप नहीं जानते कि मुझे इस खाने की वजह से कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, देखो कुछ ही महीनों में मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल दुबला पतला कर दूंगा। कुछ ही देर के बाद सुधा को होश आ गया। आज से तुम्हारा इलाज मैं करूँगा सुधा,
जब भी तुम्हें भूख लगेगी तुम भोजन नहीं बल्कि मेरी जड़ी बूटी खाओगी। मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी चाचा। तुम्हें करना होगा बेटी। कुछ दिन तक तो सुधा बिल्कुल सही चली। अज्जू चाचा को लगा कि सुधा बिल्कुल ठीक हो गई है, तो एक दिन गांव की बारात में अज्जू चाचा सुधा को लेकर गए। यहाँ पर भोजन को देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है चाचा कि सारा का सारा भोजन खा जाऊं। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें अब भूख बहुत कम लग रही है। वो तो मैंने आपसे अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा था। मुझे पता था कि आप इस शादी में मुझे जरूर लाओगे। इतना बोलकर सुधा शादी में मौजूद सारे बारातियों का खाना खा गई। अज्जू चाचा बेहोश हो गए और सुधा मुस्कुराती हुई अपने घर की तरफ चली गई।